नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है द न्यूज टॉक पर, जहां पर हम जानने वाले हैं देश और दुनिया से जुड़ी 50 से भी ज्यादा बड़ी खबरें। तो वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, साथ ही आप कहां से ये वीडियो देख रहे हैं जरूर बताइएगा। तो चलिए बिना देरी किए जानते हैं सभी बड़ी खबरें। देश में कोरोना ने फिर बढ़ाई चिंता, कल की तुलना में 66% अधिक बड़े मामले, 40 की मौत, सक्रिय मरीजों की संख्या भी बढ़ी। गुजरात दौरे पर प्रधानमंत्री, आदि जाति महासम्मेलन में पहुंचे पीएम, कई विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। चीनी हैकर्स को लेकर रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा, पीपुल्स लिबरेशन आर्मी से जुड़ा है पावर ग्रिड को बाधित करने वाला हैकिंग ग्रुप। वहीं कई राज्यों में गहरा सकता है बिजली संकट, अप्रैल के पहले 15 दिनों में बिजली की मांग 38 वर्षों के उच्चतम स्तर पर। IMF का अनुमान, सुस्ती के बावजूद चीन से दोगुनी रहेगी भारत की ग्रोथ रेट, वैश्विक ग्रोथ रेट का अनुमान घटाया। गुजरात में WHO चीफ ट्रेडोस को नरेंद्र मोदी ने दिया नया नाम, कहा आज से आप कहलाएंगे तुलसी भाई। वहीं महाराष्ट्र में फोन टेपिंग मामला, संजय राउत और एकनाथ खड़से को मुंबई पुलिस ने माना असामाजिक तत्व, किए दोनों के फोन टेप। मोदी सरकार पर भड़के राहुल गांधी, ट्वीट कर लिखा नफरत के बुलडोजर बंद करो और बिजली संयंत्रों को चालू करो। सुप्रीम कोर्ट में याचिका, मनरेगा श्रमिकों को वेतन भुगतान पर सुनवाई को अदालत तैयार, अधिकतर राज्यों के पास देने को नहीं है धन। विश्व आर्थिक मंच की रिपोर्ट आई सामने, 2022 वैश्विक युवा नेताओं की सूची जारी, आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा को भी मिली जगह। वहीं बर्मोज ने दिखाई ताकत, मिसाइल ने एक ही टारगेट पर दो बार किया सीधा वार, दोनों परीक्षण रहे सफल। देश में मिक्स बूस्टर डोज की इजाजत जल्द, वेल्लूर के मेडिकल कॉलेज ने किया परीक्षण, शीघ्र सौंपेगा अध्ययन रिपोर्ट। सीमा विवाद मामले के बीच असम और अरुणाचल के मुख्यमंत्रियों के बीच अहम बैठक, मसला सुलझाने के लिए जिला स्तरीय समितियों का गठन किया। वहीं मुलायम के समधी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी, राम प्रकाश यादव समेत 12 लोगों के खिलाफ वारंट। मुख्यमंत्री योगी के निर्देश, मास्क लगाना जरूरी करे, स्कूलों में बच्चों को कोविड प्रोटोकॉल पर करे जागरूक। तमिलनाडु के विरुद्ध नगर में फटाका निर्माण इकाई में विस्फोट, एक की मौत, बचाव अभियान जारी। मुंबई में लॉन्च हुई INS वागसीर पनडुब्बी, समुद्र में परीक्षण के बाद भारतीय नौसेना में होगी शामिल। वहीं भारत के गैर बासमती चावल निर्यात में आया 109% का उछाल। बंगाल बिजनेस समिट 2022 कोविड के बाद पहला निवेश सम्मेलन, ममता बनर्जी ने बताए विकास के 8 स्तंभ। बुलडोजर पर गहराई सियासत, आम आदमी पार्टी का आरोप, भाजपा नेताओं ने पहले रिश्वत लेकर बस्तियों को बसाया, गलती छिपाने के लिए अब कार्रवाई की। एक बार फिर कोरोना का खतरा, दिल्ली यूपी समेत 5 राज्यों को केंद्र की चिट्ठी, लगातार बढ़ रहे संक्रमण को लेकर चेतावनी जारी की। आंध्र प्रदेश में शर्मसार करने वाली वारदात आई सामने, 13 साल की मासूम से 80 लोगों ने किया दुष्कर्म, सभी आरोपी सलाखों में। वहीं दिल्ली हाईकोर्ट ने वक्फ अधिनियम के कुछ प्रावधानों को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर केंद्र सरकार से मांगा जवाब। तेलंगाना में मंत्री की प्रताड़ना से दुखी भाजपा कार्यकर्ता ने की खुदकुशी, अमित शाह ने की परिजनों से बात। जहांगीरपुरी में MCD की बुलडोजर कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट की रोक, यथास्थिति बनाए रखने का दिया आदेश। INS विक्रांत केस, किरीट सोमैया के बेटे नील को अग्रिम जमानत, पिता को पूर्व में मिल चुकी है अंतरिम राहत।
वहीं आज दूसरी बार सात फेरे लेगी आईएएस टॉपर टीना दाबी। शादी से पहले इंस्टाग्राम अकाउंट किया बंद। नई तकनीक विकसित, अब न बारिश में धंसेगा न ही सूखे में सिकुड़ेगा रेल ट्रैक। आईआईटी मंडी और यूके के वैज्ञानिकों ने संयुक्त शोध में पाई सफलता। वहीं अशोक गहलोत और भूपेश बघेल की दिल्ली में हाजिरी, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से करेंगे मुलाकात। महाराष्ट्र में बीएमसी के खिलाफ पोल खोल अभियान चला रही भाजपा, शिवसेना के साथ गठबंधन से किया इनकार। पश्चिमी विक्षोभ से मिलेगी राहत, कई राज्यों में आंधी के साथ हल्की बारिश की संभावना। वहीं मथुरा वृंदावन के कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर को मिली जान से मारने की धमकी, थाने में दी तहरीर। बड़ा खुलासा, जनवरी से मार्च तक 97% मौतें ओमिक्रॉन से हुई, एक बार फिर लापरवाही दे रही संक्रमण का दावत। दिल्ली में एक्शन मोड में पंजाब पुलिस, कुमार विश्वास के बाद अलका लांबा के घर पर दी दस्तक। वहीं सैमसंग बना दुनिया का नंबर एक स्मार्टफोन ब्रांड, एप्पल और शाओमी को छोड़ा पीछे। उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री का आमंत्रण, पहाड़ों में निजी स्कूल खोलने पर भूमि व अन्य सुविधाएं देगी सरकार, धन सिंह रावत ने बताया प्लान। सुप्रीम कोर्ट का बयान, कहा बिना तर्क अदालतों का जमानत देना गलत, दुष्कर्म के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश पर लगाई रोक। भारत वियतनाम उड़ानों की 29 अप्रैल से होगी दोबारा शुरुआत, चालू होंगे 4 नए रूट। वहीं दिल्ली के स्कूलों में ऑफलाइन कक्षाओं के लिए एसओपी जल्द होंगे जारी, डीडीएमए का फैसला। अहम बैठक, गृह मंत्री शाह ने की केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात, कोयले की कमी के बीच बिजली संकट की आशंका। आजम खान के परिवार से मिले जयंत चौधरी, सपा से नाराजगी की खबर के बीच आरएलडी अध्यक्ष की मुलाकात ने बढ़ाया सियासी पारा। वहीं नोएडा में लाउडस्पीकर पर मंदिर मस्जिदों को नोटिस जारी। हिमाचल में काले धन को सफेद करने पर 40 से ज्यादा लोग जांच की जद में, पुलिस ने ईडी को भेजी सूची। स्विट्जरलैंड की महिला से सैटेलाइट फोन बरामद, लगा जुर्माना, वापसी में लौटाया जाएगा फोन। SYL विवाद के बीच पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल चीमा बोले, अपनी जान कुर्बान कर देंगे मगर एक बूंद पानी नहीं जाने देंगे। वहीं पंजाब में दर्दनाक हादसा, एक ही परिवार के साथ लोग जिंदा जले, झोंपड़ी में लगी भीषण आग। हरियाणा में शिक्षा का बुरा हाल, 63 स्कूलों में एक भी शिक्षक नहीं, 40 विद्यालय एक के सहारे, बच्चों ने दाखिले से मुंह मोड़ा। झारखंड के कई जिलों में बारिश के आसार, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। वहीं पंजाब नेशनल बैंक ने निकाली 145 स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स की भर्ती, आवेदन 22 अप्रैल से। मशहूर निर्देशक टी रामा राव का निधन, 83 साल की उम्र में ली आखिरी सांस। HDFC कैपिटल में अपनी 10% हिस्सेदारी बेचेगी HDFC, ADIA के साथ 184 करोड़ रुपए का किया सौदा। वहीं रिलायंस का होगा अबू जानी संदीप खोसला, फैशन हाउस 51% हिस्सेदारी का हुआ सौदा। राष्ट्रपति ने नए दंड प्रक्रिया पहचान विधेयक को दी मंजूरी, उसके तहत पुलिस को अपराधियों के जैविक नमूने लेने की होगी अनुमति। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, ऐसी ही खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद, जय हिंद।